बड़ी काले दिन की निकली है शफक। अपना घर तो बसा नहीं सकी, मेरा बसा बसाया घर खराब करने पे तुली हुई है। खैर फिक्र ना कर, तो कलीम कोई इतना भी बेवकूफ नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए। इस मसले का एक ही हल है माँ, पैसा दे के कलीम को अपनी मुट्ठी में कर लो। पैसा दूंगी ना तो सारी जिंदगी मेरे आगे सर नहीं उठा सकेगा। और ये शफक भी ना जल जल मरेगी। हाँ कहती तो तू ठीक है। तो जब कहती ठीक हूँ अम्मा, तो मेरी बात पे अमल क्यों नहीं करती? अच्छा खासा मौका है, वो बददिमाग तो पड़ी है मजदूरों के बिस्तर पे। भाई हमें जितनी भी रकम देंगे उससे पता थोड़ी चलने लगा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई उससे इतना डरते क्यों है। अम्मा मैं तो कहती हूँ भाई बहाने से ना जाली कागजात पे सुंबुल से दस्तखत करवा ले और उस पे साफ साफ लिखवाएं कि मैं बाखुशी अपनी रजामंदी से अपनी सारी जायदाद अपने शौहर के नाम करती हूँ। मैंने बड़ी मूवीज में देखा है ये तरीका बड़ा अच्छा है अम्मा, सोचे। हाँ पर तबरेज को भी तो ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है ना। बगाने कारोबार पे जान मार दी उसने, दिन रात एक कर दी। खैर करूंगी तेरे अब्बा जी से बात, देखो क्या कहते हैं। बल्कि अम्मा ये जो शफक मेरे बारे में गंदी गंदी अफवाहें फैलाती फिर रही है ना, मैं तो कहती हूँ भाई और अब्बा को खुद बता दें, किसी और से सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। कहती हूँ मैं अम्मा कुछ करें, कलीम को समझाएं, उसका दिमाग खराब कर रही है वो। फिक्र ना कर तू, अल्लाह बेहतर करेगा, करूंगी बात तेरे अब्बा जी से। फिक्र ना कर मेरी बेटी, अल्लाह ख्याल करे मनोज जैसी। बैठे बिठाए मुसीबत क्या करूंगी मैं।